Ready? ऑफ यू कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे तो मैं जा रही हूँ एक स्पेशल जगह पे और जैसे कि मैं रेडी हो गई थी सो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग ही बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ सो हियर वी आर ऑन आवर डेस्टिनी और आज था मेरी

ये नजर आ रही है आपको मेरी प्यारी सी टिकटॉक क्वीन इसने भी कहा कि मैंने पार्टनर के साथ वीडियो बनानी है तो मैंने कहा क्यों नहीं जरूर जरूर एक नहीं तीन चार वीडियो बनाओ हमारा दिल बहुत बड़ा है हाँ ना सही बात है ना यार बंदा इतना तैयार होकर आए इतना सारा टाइम वेस्ट करे फिर यहाँ पर आके वीडियो ना बनाए ना ना ये हो नहीं सकता <laughs> और जिस जगह पर आए वो जगह भी आप लोगों को ना दिखाए तो जो बंदा आया वो शोशा कैसे छोड़ेगा कि मैं आज होटल में गया मैंने बहुत अच्छा सा खाना खाया मैंने बहुत अच्छी सी गैदरिंग की और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ये जगह देखने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किधर हूँ फिर मैंने बहुत ही प्यारा प्यारा सा सूट भी अपने पार्टनर के लिए लिया और ये था आज का ओकेजन तो उसके लिए हमने बहुत ही मज़ेदार जबरदस्त लजीजा केक भी बनवाया अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो ये था हमारा केक अच्छा ऐसे में इतना सारा टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया सो so, मुझे दे दिया गया ये मेन्यू मिस्टर ब्रोस्टर का स्पेशल मेन्यू जैसे कि आज का व्लॉग मुर्शिद के बर्थडे से रिलेटेड है सो so, बर्थडे की सारी जो वीडियो है वो मैंने बहुत ही आराम आराम से बनाई है सो so, वो वीडियो आपको मेरे सेकंड व्लॉग में मिलेगी जो कि मैं आज ही अपलोड करूँगी सो so, वो व्लॉग अलग होगा और ये अलग है ओके सो so, मैंने कुछ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें ऑर्डर की और मैं लग गई अपने वीडियो बनाने में अच्छा मज़े की बात यह है कि यहाँ सब अपनी बातों में लगे हुए होते हैं और एक मैं होती हूँ जो अपनी आप दुनिया में गुम होती हूँ मैं अपने वीडियोस में ऐसी गुम हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि इर्द गिर्द कोई बैठा भी है या नहीं <laughs> सो so, वीडियो बनाते-बनाते मैंने मेन्यू को देखना शुरू कर दी आप सब भी देखें ये प्यारा सा मेन्यू का नजारा और इंतजार की घड़ी हुई खत्म और हमारा पिज्जा आ गया यम 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 पिजा तो आ गया बट पिज्जा के लिए प्लेट्स वगैरह की सेटिंग हो रही थी सो so, मैंने मेरे पार्टनर से कहा आओ थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप भी बना लेते हैं ताकि हम दोनों का टाइम भी पास हो जाए और ये लोग प्लेट्स भी लगा लें <laughs> ऐसे में इन लोगों ने सारा सेटअप कर लिया था ये आप लोग देख सकते हैं और सामने ही कुछ मील की दूरी पे था मेरा चीजीस वाला पिज्जा मजा आया Oh God, यार मैं कसम से पिज्जा लवर हूँ पिज्जा को देखते ही ना मुझे एक अलग किस्म की कैफियत आ रही हो जाती और पिज्जा को देख के ना मैं दुनिया जहान की हर एक चीज भूल जाती हूँ ऐसे जैसे मुझे पता नहीं मतलब क्या हो जाता है ये था हमारा मिस्टर ब्रोस्टर का स्पेशल और जबरदस्त सा पिज़्ज़ा जो कि मैंने मेन्यू में आर्डर दिया था सो so, अब स्टार्ट हो गई थी पिज़्ज़ा की कटिंग आप लोगों ने तो केक कटिंग सुनी होगी लेकिन यहाँ हम लोग कर रहे हैं पिज़्ज़ा की कटिंग oh उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा फ्रेश हो आ जाए सो so, मैंने कहा आप लोगों को यहाँ का कुछ और भी जबरदस्त सा नज़ारा दिखा दूँ <tell noise> जैसा कि हम लोग आए हुए थे दिआई खान के बहुत ही फेमस मिस्टर ब्रोस्टर पे सो so, मैंने कहा आप लोगों को पहले तो बहुत सी वीडियोस टिकटॉक पे शेयर कर चुकी हूँ लेकिन अब मैं आप लोगों को यहाँ का लाइव मंजर दिखाने वाली थी ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी जगह है फैमिली के लिए ये बहुत सुकून वाली जगह है आप लोग ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और यहाँ की बहुत ही मज़े मज़ेदार चीज़ें खाएं और अपनी फैमिली के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपने दूसरे कोलीग्स के साथ यहाँ पर आए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंजॉय करें यहाँ का सेटअप यहाँ की सेटिंग यहाँ की हर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी सो so, मैंने और क्वीन ने कहा कि हम लोग आप लोगों को कुछ न्यू दिखाते हैं ये है स्टेयर्स हम लोग जो सेकेंड फ्लोर पे थे सो ऊपर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से नजर आता है और यहाँ मेरी नज़र पड़ गई इस मिरर पे सो मैंने, नहीं। नहीं। मैंने कहा चलो इसमें भी एक प्यारी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं बुशा जारा एंड क्वीन सो so, मैंने कहा चलो आप लोगों को ये सब दिखाने के बाद मैं कुछ एक और नजारा दिखाती हूँ जैसा कि हम लोग पिज़्ज़ा की कटिंग कर रहे थे सो so, कटिंग के एंड टाइम पे हम लोग चले गए थे बाहर अब आने के बाद मैं कुछ देख रही हूँ कि ये लोग तो अपने पिज़्ज़ा को खाने पे टूट पड़े हुए हैं और यहाँ मेरी प्लेट में भी एक अदद पिज़्ज़ा मेरा बहुत ही देर से वेट कर रहा था तो यहां मैं आ गई अपने पिज्जा को ये बताने के लिए कि मैं खुशी, खुशी मैं तो। हाँ हाँ, मैं आ आ गई गई इतनी इतनी खुशी खुशी मुझे सो अब मैं जा रही हूँ अपने पिज्जा की प्लेट को आप लोगों को दिखाने मैंने यहाँ लिख दिया है प्यारा सा कैप्शन और पिज्जा को खाने के बाद मेरी नजर पड़ गई जबरदस्त से फ्राइज के ऊपर क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज इतनी ज़्यादा गर्म है इतनी ज़्यादा गर्म है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ अच्छा जब गर्म गर्म चीज़ मेरे सामने पड़ी हो ना तो मेरा दिल भी बहुत करता है कि मैं उनको खाऊं बट मैं गरम चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकती यार कसम से मेरी जुबान जल जाती है इस चीज़ से <laughs> ये है मेरी ज़बरदस्त से फ्राइड राइस और ये वाली डिश् मेन्यू में ना आर्डर दी थी इसका नेम मुझे नहीं आ रहा आप लोगों को इसका नेम पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ओके okay. और हेयर वी आर विद आर जबरदस्त सी एंड डिलीशियस सी सी और यमी सी डिशेस के साथ मैं इतनी ज्यादा खुश थी इतनी ज्यादा खुश थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊं सो so, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने कहा चलो इस डिश को ट्राई करते हैं इतनी ज़्यादा गर्म थी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मुझे डर लग रहा था कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं इससे निकलते हुए धुएं तो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कोई बात नहीं <laughs> ये डिश जो है ना ऑन फायर थी ऑन फायर अब जैसा कि ये ऑन फायर थी सो मैंने डर से इसको प्लेट में ही रख दिया और मैं सोचने लग गई कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या दोबारा प्लेट में ही रख दूँ सो so, फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने ना इसकी एक स्पून को इतना सारा भूख मारा इतना सारा भूख मारा कि धुएँ बिल्कुल ग़ायब हो गए हर एक डिश बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी बिल्कुल इस तरह से कि क्वीन भी इस डिश को आराम सुकून से इजीली खा रही थी सो <laughs> so, मैंने कहा चलो अब इस मिला करते हैं सो so, मैंने अपनी प्लेट को प्यारा सा तैयार किया और मैं लेने वाली हूँ इसका फर्स्ट बाइट ये लेने के बाद हमारे पास आ गई हमारी ज़बरदस्ती स्प्राइट स्प्राइट को ममा ने ग्लास में सर्व किया और सर्व करने के बाद मैंने ना इनमें से एक प्यारा सा ग्लास अपने लिए उठा लिया तो रुको जरा सबर करो स्प्राइट के आने के बाद मैंने जल्दी से अपने खाने को फिनिश किया और मैंने मम्मा से कहा कि मेरा एक प्यारा सा प्यारा सा क्लिप बना दो मम्मा ने मेरा एक शॉर्ट क्लिप बनाया इस सब के बाद मैं गई थोड़ा वॉक करने और वॉक करने के बाद जब मैं आई तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ फिर से डाइनिंग टेबल के साइड वाली जो, है, के जो यहाँ पर चल रहा है बहुत सारी गपशप लगाई बहुत ज्यादा मजे मजे की बातें की समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोगों ने की वापसी की तैयारी और यहाँ से हम लोग जा रहे थे वापस और ये हैं एग्जिट स्टेयर्स यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने आज कहाँ का विज़िट किया तो ये है रई खान का स्पेशल फ़ेमस मिस्टर ब्रोस्टर आप लोग भी जल्दी जल्दी से यहाँ आएँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें इन सब के बाद हम लोग तो जल्दी घर की तरफ